नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा होम लोन्स के रिगार्डिंग, यानी कि मैं आपको एक जर्नल बताऊंगा, जर्नल चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो। सबसे पहले मैं आपको, हम सबका सपना होता है कि हमारा खुद का एक घर हो। कई बार हमारे पास खुद के पास पैसे ज़्यादा नहीं होते तो हमें होम लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं जो अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो सभी बैंकों के लिए लगभग एप्लीकेबल है, केवल एक बैंक के लिए नहीं। मैंने इसीलिए कहा आप चाहे किसी भी बैंक में अप्लाई करें, आपको लगभग यही सब ज़रूरतें पड़ेंगी। सबसे पहले आप ये समझिए कि होम लोन बैंक देता क्यों है। देखिए, होम लोन देने के पर्पज़ काफ़ी सारे होते हैं। पहला पर्पज़ ये होता है कि आप नया घर या फ्लैट खरीद रहे हैं। दूसरा पर्पज़ आप खुद अपने लिए एक घर बनवा रहे हैं। तीसरा पर्पज़ कि आपका ऑलरेडी कहीं होम लोन चल रहा है तो उसको टेक ओवर करने के लिए। और चौथा पर्पज़ कि आपने कुछ घर बनवा दिया है पिछले 6 महीनों में, अब आप उसका रीइंबर्समेंट करना चाहते हैं, तो बैंक उस केस में भी आपको होम लोन देगा। अब हम बात कर लेते हैं कि होम लोन किस किस को मिलता है। देखिए, अगर आप व्यापार करते हैं तो भी आपको होम लोन मिलेगा। सैलरी है, आप कहीं नौकरी करते हैं तो भी आपको होम लोन मिलेगा। अगर आप किसान हैं तो भी आपको होम लोन मिलेगा। अब बात आती है कि इनकम क्राइटेरिया, क्योंकि बैंक हर किसी को तो लोन देती नहीं है। बैंक को कम से कम आपके पास कुछ मिनिमम इनकम तो होनी चाहिए। अगर आप देखिए सैलरीड क्लास हैं तो आपकी इनकम कम से कम 20,000 रुपये प्रति महीना होनी चाहिए। ये मैं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरल तरीके से बता रहा हूँ। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपने कम से कम 3 लाख रुपये पर ईयर का अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होना चाहिए। अगर मान के चलिए आपने 1 या 1.5 लाख का ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया तो शायद बैंक आपकी फाइल को रिजेक्ट कर दे। अब बात आती है एज। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति ही इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है। अब बात आती है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज की डेट में जितने भी बड़े बैंक हैं, SBI, HDFC, कोटक महिंद्रा, जो भी बैंक है, वो उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% से लेके 8% के बीच है। कोई ज़्यादा है, कोई कम है, थोड़ा बहुत जो वेरिएशन आता है कई बार आपकी सिविल रिपोर्ट की वजह से या आपकी प्रोफाइल थोड़ी कम इफेक्टिव हो, इस वजह से भी हो सकता है। अब मान के चलिए अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं तो आपकी जो टाइटल डीड्स है, टाइटल डीड्स मतलब होता है प्रॉपर्टी के पेपर, उन पर टाइटल क्लियर होना चाहिए। मतलब प्रॉपर्टी के जो पेपर है वो आपके नाम रहे और उस पर किसी तरह का कोई वाद विवाद ना रहे, किसी तरह का कोई कोर्ट में केस ना चल रहा हो। नाम वगैरह सब, जो भी म्यूटेशंस वगैरह जो कुछ होते हैं, वो सब आपने अपने नाम करवा रखे हों। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप किसी गांव में रहते हैं और ग्राम पंचायत से अगर आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर है तो उस केस में जनरली बैंक लोन नहीं देते। आपकी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जैसे DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बड़े शहरों में ये अथॉरिटीज़ करती हैं। छोटे शहरों में जैसे तहसील लेवल पर आपकी नगर पालिका होती है, उसका रजिस्ट्रेशन चल जाता है लोन लेने के लिए। लेकिन अगर आपका गांव में सादा पट्टा है, उसके पेपर पूरे नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है आपकी प्रॉपर्टी, तो बैंक उस केस में आपको लोन नहीं देगा। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आप होम लोन में सब्सिडी भी ले सकते हैं। 2,67,000 रुपये तक की आप टोटल सब्सिडी ले सकते हैं अपने होम लोन में। इसके अंदर क्या रहता है, इनकम और एरिया, इसकी कुछ क्राइटेरिया रहते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर लिंक पर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। प्लस ये कि आप नया घर कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं, आप अगर पुराना घर परचेज कर रहे हैं तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलेगी। होम लोन का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि जो सैलरीड क्लास है वो अपना टैक्स किसी हद तक बचा सकते हैं। देखिए, अगर ATC के अंदर 1.5 लाख तक की छूट मिल जाती है और इनकम टैक्स सेक्शन 24 के अंदर 2 लाख तक की छूट मिल जाती है इनकम टैक्स में। अब बात आती है कि जो प्रोसेसिंग फीस, देखिए आज की डेट में होम लोन बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, तो लगभग हर बैंक ने अपनी प्रोसेसिंग फीस वेव करी हुई है। मतलब आपको कोई फाइल चार्ज नहीं देने होते। लेकिन मैं आपको हिदायत दूंगा, जब भी आप लोन लेने जाएं तो पहले पूछ लें कि प्रोसेसिंग फीस कितनी है, क्योंकि काफ़ी बैंकों में 1-2% तक होती है प्रोसेसिंग फीस। तो जो ये भी एक क्राइटेरिया रहता है अगर यदि किस बैंक में आप अप्लाई करें उसके लिए। अब जो दूसरे चार्जेस हैं,
प्रोसेसिंग फीस एक चीज़ हो गई, दूसरे चार्ज होते हैं स्टाम्प ड्यूटी। जब भी आप कोई एग्रीमेंट करते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी आप ही को पे करनी होगी। वैल्यूएशन रिपोर्ट, वकील की सर्च रिपोर्ट, इसका पेमेंट भी आप ही करेंगे। और सरसई चार्ज, कुछ छोटे मोटे चार्जेस होते हैं, वो भी आप पेमेंट करेंगे। अब जब भी आप अप्लाई करें, सबसे पहले ये देखें कि कौन सा बैंक सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है। आप सबसे पहले उस बैंक में अप्लाई करें और किसकी प्रोसेसिंग फीस कम है, यह सब देखते हुए आप अपना होम लोन अप्लाई करें। अब मान के चलिए आपने ऑलरेडी होम लोन ले रखा है। जनरली होता है क्या है, जो NBFCs है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो बहुत महंगा होम लोन देते हैं। मैंने कई कई बार देखा है कि लोगों को 15-15, 20-20% पर एनम पर होम लोन मिला हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। उस केस में आप क्या करें, अपना होम लोन SBI, HDFC किसी अच्छे बैंक में ट्रांसफ़र करवा लें। उससे होगा क्या, आपका EMI बर्डन कम हो जाएगा, आपका होम लोन जल्दी चुकता हो जाएगा, आपके ऊपर कर्ज का भार जल्दी से मुक्त हो जाओगे आप। अब बात आती है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। मान के चलिए आप होम लोन तो लेना चाहते हैं, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके 2 फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप बिजनेस क्लास है तो, अगर सैलरीड क्लास है तो 2 साल का फॉर्म 16, 6 महीने की सैलरी स्लिप, पिछले 2 साल का आपका बैंक स्टेटमेंट, आपके वकील की रिपोर्ट, वैल्यूएशन की रिपोर्ट, एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटमेंट। जनरली अगर आप सैलरीड क्लास है तो आपके पास ये सब चीज़ें होंगी, बिजनेस क्लास है तो आप अपने चार्टर्ड अकाउंट को बोलकर ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करवा सकते हैं, जो भी आपकी फाइल प्रिपेयर करें। अब बात आती है होम लोन कैसे अप्लाई करें। देखिए, होम लोन अप्लाई करने का एक तरीका तो यह है कि आप डायरेक्ट ब्रांच में चले जाएं, लेकिन आजकल जितने भी बड़े बैंक हैं उन्होंने ऑनलाइन होम लोन भी आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा, अगर आप खुद इसमें वो हो, असंचित हो कि हम कैसे अप्लाई करें, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, अपनी होम लोन की डिटेल्स मैं आपके लिए अप्लाई कर दूंगा, आप जिस भी बैंक में चाहेंगे और वो वाली टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। अब बात आती है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सैलरीड क्लास हैं, बिजनेस क्लास है, थोड़ी बहुत इनकम आप एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं मेहनत से, ईमानदारी से, तो आप मेरे साथ एसोसिएट हो जाइए। मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है आप उस पर मुझे कॉल करें या मेरे साथ मैसेज ड्रॉप करें और मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप के साथ आप अटैच हो जाएं। मैं ये नहीं कहता मैं आपको करोड़पति बना दूँगा या लखपति बना दूँ, हाँ ये ज़रूर है कि आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है कि आपकी महीने की 5,000 की इनकम एक्स्ट्रा शुरू हो जाए, 10,000 की एक्स्ट्रा शुरू हो जाए। जितनी मेहनत करोगे मेरे साथ एसोसिएट होके आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अब आप होम लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बेचक करके अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।